सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 17 मार्च। चिंता हमें भगवान से दूर हटाती है। सत्व गुण में भगवान होते हैं, अतः उसी मार्ग से हम जाएं। भगवान हमारे भीतर आने के लिए सभी कर्म हम अच्छी तरह से करें, वैसा करने पर भी सभी कर्म भगवान को अर्पण करने की बुद्धि से करें। व्यवहार न छोड़ें, प्रयत्न भी कसकर करें, किंतु मन भगवान में कैसे लीन होगा इसकी ओर भी ध्यान दें। हम गृहस्थी की जितनी चिंता करते हैं, जितनी सावधानी बरतते हैं, उतनी सावधानी भगवान के लिए बरतेंगे तो भी बहुत कुछ सफलता संभव है। हम कितने पराधीन हैं ये तब समझता है जब हम बीमार होते हैं। तब हम ध्यान में रखें कि हमारे हाथ में कितनी सत्ता है, कितना अधिकार है। चिंता न करते हुए भी हम प्रयत्न नहीं कर पाते ऐसी बात नहीं, उल्टे प्रयत्न तो दो गुना करने चाहिए, किंतु परिणाम जो होंगे वो भगवान की इच्छा से होने वाले हैं और उसी में हमें संतोष करने को सीखना चाहिए। हम चिंता करते हैं इसका कारण ये है कि हम अपने से अधिक दुखी आदमी की ओर देखते नहीं। एक व्यक्ति कहता है, मुझे लोगों का कर्जा देने की चिंता है। दूसरा कहता है, मुझे अपने पैसे वसूल करने की चिंता है। किंतु तीसरा कहता है, मुझे अपने बाल बच्चों की चिंता है। किंतु चिंता के इस घोटाले में अपनी स्वयं की चिंता किसी को नहीं है। गत स्मृतियों के कारण और कल के भय से हम चिंता करते रहते हैं। ये चिंता हमें भगवान से हटाती है। कल की चिंता से आज की रोटी हमें स्वाददार नहीं लगती, इसके लिए क्या उपाय करें? इस पर एक ही रामबाण इलाज है और वो इलाज है, चिंता करना छोड़ दे और जितना समय चिंता में व्यतीत होता है उतने समय तक नाम स्मरण करें। एक व्यक्ति ने मुझसे शिकायत की, क्या किया जाए, मेरा ये बेटा किसी भी बात की चिंता ही नहीं करता, सिर्फ हंसी खेल मजाक में दिन गवाता है, भविष्य में इसकी क्या हालत होगी? मैंने कहा, आपका कहना बाह्यतः सत्य लगता है पर वास्तव में यह सत्य नहीं है। आपको आज तक चिंता करने से क्या उपलब्धि हुई? शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही और भगवान को भूल गए और क्या किया? फिर वही बात तुम अपने बेटे को क्यों सिखाते हो? वो कर्तव्य का पालन जरूर करे और मजे में रहे, और मैं तो उसे यही कहूंगा कि चिंता ना करे। तुम जब तक गृहस्थी की चिंता करते हो तब तक भगवान की सेवा कर रहे हो, ऐसा कैसे कहें? जो हो रहा है होता रहे, जो नहीं होता है ना हो। इस प्रकार की मन की अवस्था में जो दिन गुजारेगा वही चिंता से मुक्त होगा। जिसने भगवान को अपना बना लिया उसे चिंता नहीं होती। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।